जी। नहीं, उनका सिर्फ जीनत अमान का नाम है, उसकी वजह बता देना ज़्यादा दिलचस्प होगा। दरअसल जीनत अमान जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो इसमें हीरोइन है इस कहानी की, उनके फादर मोहम्मद मुल्ला मुंबई में तबलची हुआ करते थे। तो 1992 में 1992 में एक यहाँ से ट्रूप गया और परफॉर्म करने लंदन में, जुम्मा चुम्मा इन लंदन, जिसमें फिक्शनली मिस्टर बच्चन, किमी काटकर वगैरह सब गए थे। तो वहाँ उनका तबलची नहीं अवेलेबल था जाते समय, तो मोहम्मद मुल्ला गए थे और वो सारा वो ग्रुप लौट आया उधर से, लेकिन मोहम्मद मुल्ला वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट बन गए और वहीं बस गए, वहीं शादी कर ली, उनकी एक बेटी हुई। लेकिन मोहम्मद मुल्ला की मुंबई में तब फैंटेसी होती थी जीनत अमान, तो उन्होंने अपनी बच्ची का नाम जीनत अमान रखा और एक सपने का बोझ उसके ऊपर डाल दिया कि तुम मुंबई जाके हीरोइन बनना, जब कैटरीना कैफ बन सकती तो तुम क्यों नहीं बन सकते। सो ये उसकी बैक स्टोरी है, इसलिए उसका नाम है जीनत अमान। नहीं, लव को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी के लिए, चाहे वो इंसान हो या नेचर हो या आइडिया हो, अगर कोई लगाव महसूस होता है वो लव है। तो कोई एडल्ट लव या यूए लव ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ लव इज़ लव, उसको तो फील किया जा सकता है, उसको परिभाषाओं में बांधने से परिभाषाएं ही छोटी लग जाती हैं। प्यार से बनाई हुई करी अभी स्वाद लगती है, और नाराज़गी में बनाई हो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। अभी अभी थोड़ा वक्त मुझे और दो। उतना ज़्यादा काम नहीं किया है, करने की ख्वाहिश है, और एक दिन शायद। जी, मैंने पहली शॉर्ट फिल्म अभी डायरेक्ट की है, मराठा मंदिर सिनेमा, जो थैंकफुली फिल्म फेयर के नॉमिनेशन में है, और अभी पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए संडे तक वोटिंग भी चल रही है, 24 तारीख तक। आप सभी लोग देखें और वोट करें, आपको पसंद आए तो, ना भी आए तो दोस्ती यारी में कर दें अभी तो फिलहाल। क्योंकि बहुत क्लोज आ गया हूँ कोवेटेड ब्लैक लेडी के, मैं बहुत संभावनाएँ हैं जीतने की। तो वो फिल्म, जैसा कि अभी मैं Q&A में बता रहा था, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे है, और मराठा मंदिर सिनेमा एक काफ़ी आइकॉनिक सिनेमा हॉल है मुंबई में, उस पे सेट है। वहाँ पे पिछले 22 सालों से DDLJ लगातार चल रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो अपने आप में कल्ट मूवी है। तो उसके पीछे का सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उसमें दिखाया गया मेरी फिल्म में, कि क्यों चल रही है वो फिल्म, उसका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है। तो उसके पीछे कमाठीपुरा का इलाका है सेक्स वर्कर्स का, ये फिल्म कैसे वहाँ काम करने वाली तवायफों को एक मौका देता है, एक उम्मीद की किरण ज़िंदगी में, कि देर इज़ सम होप इन लाइफ। ये फिल्म जब वो देखने रोज़ सुबह तैयार होकर आती हैं तो उन 3 घंटों में सब कुछ भूल जाती हैं। अभी भी वहाँ टिकट 15-20 रुपये ही है, तो 3 घंटे की AC में DDLJ देखते हुए वहाँ पे डेटिंग्स होती हैं, अपने दुखों को भूलना होता है। मतलब अपने आप में मराठा मंदिर सिनेमा एक कहानी है। काफ़ी वहाँ मुगले आज़म का प्रीमियर हुआ था, सुना है हाथियों पर प्रिंट्स आए थे, तो वहाँ पर इस तरह DDLJ से सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी में थोड़ा रंग, थोड़ी राहत और थोड़ी ज़िंदगी को लेकर चाहत आ रही है, ये अपने आप में काबिले गौर है। तो इस पर मैंने फिल्म बनाई। नहीं नहीं, गलत क्या किया? गलत बिल्कुल नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कि ये फिल्म बनाएं, किसी के साथ भी बनाएं, लेकिन बनाएं। और ये एक्चुअली इनको मैं कास्ट कर चुका हूँ अपनी फिल्म में जी। ये तो मुझे बाद में कास्ट करेंगे। अब चौरंगा देखेंगे तो उसमें एक मंत्री का किरदार इन्होंने निभाया, वो अभिनय इन्होंने किया था चौरंगा में, और वो नॉन डायलॉग रोल था। आजकल कोई एक्टर मानेगा नहीं नॉन डायलॉग रोल, तो बिल्कुल साइलेंट रोल था, और ये एक मंत्री का किरदार। और वो फिल्म मामी में इंडिया गोल्ड बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था, इवन इन लॉस एंजलिस इफला। तो ये अब जुड़े हुए हैं पंकज विकास, तो आई एम वेरी हैप्पी उन्होंने बुलाया मुझे। और वैसे मैंने हिंट तो दे दिया, अगर सुशांत सिंह नहीं करेगा तो थोड़ा किरदार थोड़ा उम्र में बढ़ा दे तो हम कर लेंगे। दरअसल कोई भी कहानी और एक्ट्रेस जो हैं वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जो कहानी है, इसकी प्रोटैगनिस्ट एक छोटी सी लड़की है 16-17 साल की, तो जाहिर है उस किरदार के लिए मैं संजय को नहीं अप्रोच कर सकता था। और फिर जो और कैरेक्टर्स थे उसमें, सारिका जी हैज़ प्लेड अ सेक्स वर्कर,
तो मैं उनको देखता था उस कैरेक्टर में, तो मैंने उनको अप्रोच किया, उनको मैंने कहानी सुनाई, और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि उनको वो कैरेक्टर ना सिर्फ पसंद आया, शी ऑल्सो अग्रीड टू प्रोड्यूस द फिल्म, तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर स्वानंद किरकिरे जिन्होंने कमाल का काम किया इस फिल्म में, उनके लिए एक बड़ी बढ़िया किरदार था, ही हैज़ प्लेड अ पिंप इन दैट एंड ही अग्रीड टू डू दैट एंड हैज़ डन अ फैंटास्टिक रोल। तो इस तरह मैं अकेला चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारमा बनता गया। मैंने एक्चुअली अमेज़ॉन इंडिया की पहली वेब सीरीज़ में एक्ट किया, इनसाइड एज, जो करण अंशुमन ने डायरेक्ट की थी, जो शो क्रिएटर, तो अमेज़ॉन की पहली इंडियन वेब सीरीज़ थी। और बालाजी, ओल्ड बालाजी की भी वन ऑफ द फर्स्ट, पहली तीसरी या चौथी थी देव डबल डी, उन दोनों में मैं काम कर चुका हूँ। शॉर्ट फिल्म्स का दौर अभी से नहीं, पहले से चल रहा है, हाँ, लेकिन अब थोड़ी प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी की माध्यम से ये ज़्यादा रीच हो रही है। स्पेस भी क्राउडेड है, लेकिन अच्छा अच्छा काम देखने को मिलता है, और अटेंशन स्पैन्स भी छोटे हो रहे हैं, लेकिन ये नया दौर मतलब आ चुका है इसमें, अब ये नहीं कि आ रहा है, आ चुका है, और हैबिट्स बदल गई हैं। इसमें यही है कि लोग सिनेमा घर जाना थोड़ा कम कर रहे हैं, इसकी कई वजह हैं, सो वो थोड़ा हम एड्रेस कर रहे हैं कि कैसे कैसे किया जा सकता है उसका। लाइफ स्टाइल्स बदल रहे हैं, टिकट प्राइसेस भी कोई सस्ते नहीं रहे, जहां हम हफ्ते में 3 पिक्चरें देखते थे, अब 1 महीने में 1 देख पाते हैं, सो ओवरऑल बहुत एनवायरनमेंट डिफरेंट हो रहा है फिल्म्स को लेकर। माई बर्थडे सॉन्ग एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक दिल्ली में फिल्माई गई फिल्म है, उनकी डेब्यू फिल्म है। एक इंसान है जो अपने एक बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहा है, 40th बर्थडे, और वहाँ पे कुछ ऐसे हादसे होते हैं और जिससे वो बिल्कुल अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में अपने को उलझा हुआ पाता है। तो बिकॉज थ्रिलर है, मैं इससे ज़्यादा बता नहीं सकता, हमारी टैगलाइन है जो दिखता है वो है नहीं, और ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है जो दिखता है वो होता नहीं है, तो ये उस, लेकिन आप इंजॉय करेंगे, एंगेजिंग फिल्म है बहुत। मेरे जहन में, मेरी नॉलेज में हिंदी फिल्म इस किस्म की साइकोलॉजिकल थ्रिलर अभी बनी नहीं है जो मेरी नॉलेज में। उन्होंने डायरेक्ट ही नहीं की, लेकिन लिखी भी है कहानी, और उनकी जो मैं कहूँगा जो डिटेलिंग है स्क्रीन प्ले को लेकर, प्रिसिजन, और एक एक फ्लोटिंग फ्लक्चुअलिटी ऑफ रियलिटी है उस फिल्म में, सो वो आपको लगता है अच्छा ये हो रहा है, फिर कुछ और हो सकता है कुछ, तो सो आई थिंक बहुत ही इंटेलिजेंट और एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने। अब बिल्कुल फिल्म आपको बांध के रखती है, और इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस फिल्म है, एंड समीर और मैंने प्रोड्यूस की है। नई लड़कियां हैं, नौरा फतेही है, मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जिनिया स्टार है, पितोबाश है फिल्म में, म्यूज़िक भी ऑलमोस्ट नए लोगों ने किया, एक राजीव भल्ला ने किया है, उन्होंने हमारे साथ पहले आईएम में काम किया था, और मोहन कनन सिंगर हैं, जॉय बरुआ, राजीव भल्ला, और नए कंपोजर्स हैं दिल्ली के, अजय गोविंद और नितिन कृष्ण, एंड जॉय बरुआ असम से हैं, बॉम्बे में रहते हैं, उनके साथ पवन रेसेली, सो बिल्कुल इंडिपेंडेंट साउंड है, और मैं म्यूज़िक भी इंडिपेंडेंटली रिलीज़ कर रहा हूँ, सो ट्रूली 100% इंडिपेंडेंट फिल्म। मेरा सिर्फ ये कहना है कि नेवर लिमिट योर इमेजिनेशन, क्योंकि मुझे लगता है इमेजिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम लोग बहुत बार अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली नॉलेज को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ये भी जानना है, ये भी जानना है, और पता नहीं चलता उस नॉलेज का करना क्या है। तो उसके लिए कुछ पता नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, अभी देयर आर सो मेनी सर्च इंजन्स, गूगल बाबा नोज एवरीथिंग। इफ़ वी आर प्रो इमेजिनेशन, जो मेरी पूरी ज़िंदगी में हर काम के पीछे कैंपेन है, आई एम प्रो इमेजिनेशन विच इज़ नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, तो हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, सारे अपने रास्ते आसान बना सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अपनी जर्नी में, व्हेन आई केम हियर एंड आई सॉ सो मेनी पीपल पिचिंग देयर स्टोरीज एवरीवेयर,
तो मुझे लगता था मैं अपनी कहानियों को क्या बोल के बोलूँगा ये सबसे अच्छी है, मतलब किस आधार पे बोलूँगा। सो आई थॉट कि यार, एंड माई इमेजिनेशन हेल्प मी इन थिंकिंग कि क्यों ना मैं इसको बुक फॉर्म में लेके आऊँ। एंड आई अप्रोच द बिगेस्ट पब्लिशर एंड दे अग्रीड टू पब्लिश पेंगुइन, आई एम थैंकफुल टू देम, और बुक बेस्ट सेलर भी हुई वॉटर लूजर। तो मुझे आसानी हुई फिर लोगों को अप्रोच करने में अपनी किताब के माध्यम से। वैसे मैं उसकी मैन्युस्क्रिप्ट लेके पहले जाता तो ज़्यादा मुश्किल होती। सो वैसे ही रास्ते बनते जाते हैं। सो इट्स अ स्मॉल एग्जांपल, और मुझे लगता है नए साल में हर किसी को अपने इमेजिनेशन को इग्नाइटेड करने की दिशा में थोड़ा बहुत कुछ कर लेना चाहिए, और कभी दिक्कत आए तो मैं हूँ ना, स्टे इन टच। इससे जुड़ा है ऑफ कोर्स नए साल की सबको शुभकामनाएं, लेकिन हर सुबह हर लम्हा एक नया लम्हा होता है, नई मोमेंट्स होते हैं। ये जो डेट्स हैं, तारीख्स हैं, ये मैथमेटिकल लॉजिकल माइंड के लिए है, अदरवाइज़ कल सुबह नहीं उठे तो क्या होगा। 2018, 17, 15 क्या फ़र्क पड़ता है। आप हर एक सुबह ऐसा सोचा करें कि ये मेरा आखिरी दिन है और मैं जो 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 करना चाहता हूँ वो करूँगा, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो करूँगा, वो एक्सप्लोर करूँगा। सो आई विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू डे। 2018, 19, 20 ये आते रहेंगे, आपका हैप्पी न्यू डे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।